हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हमारी ग्रेट थिंकर की सीरीज़ में अपने नेक्स्ट थिंकर के बारे में आज हम डिस्कशन जो है वो आज करेंगे। और आज हमने जो थिंकर को चूज़ किया है उनका नाम है श्री अरबिंदो घोष। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को रीड करते हैं तो अरबिंदो घोष के बारे में अक्सर हम इनकी कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट एंड द नेशनल एजुकेशन और इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो हम इसके बारे में हिस्ट्री में अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अरबिंदो घोष जो थे कि एज ए पर्सन ये किस तरह से इन्होंने ग्रो किया और इनकी कहां कहां पे लाइफ में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें देखने को मिली है। तो चलिए फिर आज का जो हम लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अरबिंदो घोष जी की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में देखेंगे। घोष जी का जन्म जो था 15 अगस्त 1872 जो था इस ईयर में इनका बर्थ हुआ और जगह जो थी इट वाज इन कैलकटा। 15 अगस्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट आ जाती है क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद भी हुआ और अरबिंदो घोष जी के लिए देश की आज़ादी जो थी वो एक बहुत ही क्लोज उनका जो था ये ड्रीम था जिसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया। अरबिंदो घोष जी के जो फादर थे कृष्ण धन घोष, ये एक बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे और ये वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। यही रीज़न था कि कृष्ण धन घोष जी ने अपने सभी बच्चों की जो परवरिश थी वो कम्प्लीटली यूरोपियन स्टाइल में इनको जो था किया गया था। और अरबिंदो घोष को भी इन्होंने स्टार्टिंग में जो भी इनका एजुकेशन था वो इंग्लिश मीडियम में इनको दिया गया एंड ही वाज एजुकेटेड एंड लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग में, जो समय का एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कूल था, तो इसके अंदर इनको वहाँ पे एजुकेशन जो था दिया गया। और यहाँ तक कि इनके जो फादर थे उन्होंने एक नर्स भी एम्प्लॉय की हुआ था जो कि इंग्लिश नर्स थी, जिनकी नीचे अरबिंदो घोष को जो था एक इंग्लिश लाइफस्टाइल में इनकी अपब्रिंगिंग उस समय की गई। अब कृष्ण धन घोष को एक जो था कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे जाके या तो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें या वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर बहुत उनका नाम हो, तो जिसके लिए ये पूरी फैमिली जो थी 1879 के पास जो थी ये पूरी फैमिली लंदन में वहाँ पे शिफ्ट हो गई और अरबिंदो घोष जी को वहाँ पे सेंट पॉल स्कूल में वहाँ पे भेजा गया जहाँ पे अरबिंदो घोष जी ने ग्रीक, इटालियन, जर्मन और स्पेनिश जैसी जो लैंग्वेज थी इनको लर्न किया। और बड़ी यंग एज में ही 12 साल की एज में ही जो अरबिंदो घोष थे इन्होंने काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर जो था उस समय मास्टरी जो थी कर ली थी और लैटिन वाज आल्सो वन ऑफ देम। और क्योंकि उस समय अगर स्कूल में एडमिशन लेना होता था तो लैटिन का आना उस समय बहुत ज़रूरी था, जिसको लेकर अरबिंदो घोष ने इनको इस लैंग्वेज को भी साथ में मास्टर किया। और इस यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ इनका यहाँ पे पोइट्री में भी यहाँ पे काफ़ी डीप इंटरेस्ट जो यहाँ पे जागा और इन्होंने थोड़ा बहुत पोइट्री के अंदर भी यहाँ पे काम किया। इसके बाद स्कूल के बाद जो आगे की कॉलेज या आगे की यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन थी तो यहाँ पे फैमिली के लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट होने शुरू हुई, जिसके चलते अरबिंदो घोष जी के फादर ने घोष जी को एडवाइस किया कि वो बहुत मेहनत लगा के पढ़ें ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल सके और जिसके मीडियम से वो आगे कैम्ब्रिज को जो है ज्वाइन कर सके। अरबिंदो घोष ने बहुत इसी अपने फादर के एडवाइस को फॉलो किया और बहुत ही मेहनत के साथ जो था इन्होंने स्टडी की और अल्टीमेटली ही अचीव ए स्कॉलरशिप टू ज्वाइन किंग्स कॉलेज इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अरबिंदो घोष को आगे ICS के लिए इंस्पायर किया गया क्योंकि फादर चाहते थे कि ही बिकम ए इंडियन सिविल सर्विसेज को समय ज्वाइन करें, जिसके लिए अरबिंदो घोष जो थे इन्होंने ICS का जो एग्ज़ाम था इसको उस समय क्रैक किया, लेकिन ICS ऑफिसर को ज्वाइन करने के लिए एक हॉर्स राइडिंग टेस्ट जो था उसको पास करना ज़रूरी होता था, लेकिन इस टेस्ट को अरबिंदो घोष जो थे उन्होंने इसमें डिसक्वालीफाई हो गए जिसकी वजह से वो ICS सर्विसेज को ज्वाइन नहीं कर पाए। और यहाँ से लंदन से ये जब वापस आते हैं तो वापस आने पे जो बड़ौदा स्टेट के महाराजा होते हैं महाराजा गायकवाड़, वो इनको बड़ौदा स्टेट सर्विसेज में इनको जॉब जो है वहाँ पे देते हैं जहाँ पे
अरबिंदो घोष जो हैं बड़ौदा में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं और यहीं पर ही ये साथ साथ में बड़ौदा कॉलेज के अंदर एज ए लेक्चरर भी यहां पे जाते हैं। और ड्यूरिंग हिज वेकेशन, इन्हीं वेकेशन के टाइम के ऊपर जब ये बड़ौदा से बंगाल अक्सर आया जाया करते थे तो ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद सम वेरी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑफ दैट टाइम, जैसे कि पी मित्रा जो कि उस समय अनुशीनल समिति जो कि एक अंडरग्राउंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फॉर द काज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो अनुशीनल समिति के साथ जो था इनका थोड़ा लिंक यहाँ पे बनना शुरू हुआ। इसके साथ साथ सिस्टर निवेदिता और बाकी रेवोल्यूशनरी के साथ भी इनका मेलजोल बनना शुरू हुआ। और इसी मेलजोल के चलते हम देखते हैं कि अरबिंदो घोष के अंदर एक जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग राइज होता है विद द आउटब्रेक ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम के ऊपर जो अरबिंदो पूरे का पूरा जो कैलकटा था, शायद ही कोई कैलकटा की ऐसी गली थी जहाँ कोई नुक्कड़ थी जहाँ पे वंदे मातरम का नारा ना गूंज रहा हो। और स्वदेशी मूवमेंट के चलते जो बंगाल की पार्टीशन की गई 1905 में उसमें बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट मूवमेंट कैलकटा में चल रही थी। और इसी टाइम के ऊपर जो अरबिंदो घोष थे आउट ऑफ हिज सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन्होंने बड़ौदा स्टेट सर्विसेज से रिज़ाइन दे दिया एंड ही ज्वाइन नेशनल कॉलेज और स्कूल जो था 1906 में जो नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा बनाया गया था फॉर इंडिजीनियस एजुकेशन, तो उसके ये पहले प्रिंसिपल भी बने यहाँ पे। और ड्यूरिंग दिस टाइम ही स्टार्टेड ए युगांतर, एक बंगाली डेली जिसको स्टार्ट किया गया 1906 के अंदर यहाँ पे। और इसके साथ साथ एक वंदे मातरम का पेपर भी जो था जो कि बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था, इसको भी ज्वाइन किया। इन मैगजीन्स की वजह से जो अरबिंदो घोष थे इन्होंने बड़ा ओपन वे में जो रेवोल्यूशनरी मेथडोलॉजी या जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी उसको अपने आर्टिकल के मीडियम से सपोर्ट किया। हालांकि अरबिंदो घोष ओपनली नहीं आते थे, ओपनली वो मॉडरेट पॉलिसी को जो थे वो सपोर्ट करते थे, लेकिन थ्रू दिस आर्टिकल्स, इन आर्टिकल के मीडियम से उन्होंने साथ में रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी और मेथडोलॉजी को भी जो था वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और इसको बड़ा उन्होंने आगे प्रमोट भी किया। और इसी के अपने इसी बड़े स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स जो इनके द्वारा लिखे गए इसकी वजह से ही ये एक वंदे मातरम केस आता है जिसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो जाती है। और क्योंकि अरबिंदो घोष को लग रहा था बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन नेशनल कॉलेज एट दैट टाइम ही वॉज नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर टाइम टू वंदे मातरम, जिसके लिए इन्होंने नेशनल कॉलेज से रिज़ाइन किया और उसके बाद इन्होंने अपना पूरा टाइम जो था वो वंदे मातरम डेली को देना शुरू किया। और जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे अपने आर्टिकल लिखे और ही एडवोकेटेड द इंडिपेंडेंस थ्रू स्वदेशी, क्योंकि उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट थी तो कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर थे दे वर इन द फेवर ऑफ सेल्फ रूल, लेकिन अरबिंदो घोष शायद उस समय पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने सेल्फ रूल की बजाय कंप्लीट इंडिपेंडेंस का उस समय जो था स्लोगन भी दिया था कि वी शुड गो फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हालांकि मॉडरेट लीडर जो थे इसको यहां पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और इस पूरे प्रोपेगेंडा के अंदर वंदे मातरम का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जिसमें इस डेली का, जिसके मीडियम से इन्होंने लोगों का जो माइंडसेट था उसको यहाँ पे चेंज किया। 1907 में वंदे मातरम के अंदर जो बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए थे जिसके लिए अरबिंदो घोष को अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पॉलिटिक्स फॉर इंडियन जिसको ब्रिटिश ने कहा कि दिस इज ए बेसिकली एक्ट ऑफ द सेडिशन, तो इसके लिए इनको ये चार्जेस भी लगाए गए, अरेस्ट भी किया गया, लेकिन बाद में इनको इसके छोड़ दिया गया। अब इसके बाद अरबिंदो घोष जो हैं इनका जो नेम है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती, दैट इज़ द अलीपुर बॉम्ब के जो केस आ जाता है। 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस जो हैं ये उस समय जो किंग्सफोर्ड जज किंग्सफोर्ड होते हैं मुजफ्फरनगर के, उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंका जाता है उनको असैसिनेट करने के लिए, क्योंकि जो जज किंग्सफोर्ड थे जो भी उस समय नेशनलिस्ट एक्टिविटी में अरेस्ट होते थे तो उनको बहुत हार्श पनिशमेंट देते थे, तो जिसके कारण ही वॉज वेरी हाईली अनपॉपुलर अमंग द नेशनलिस्टिक और रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम। तो जब ये बॉम्ब फेंका गया तो ये बॉम्ब जो था ये किंग्सफोर्ड के कैरियर्स के ऊपर नहीं बल्कि उसके साथ वाला जो कैरियर्स था जिसमें पिंगली कैंडली जो बैरिस्टर थे उनकी वाइफ और उनकी बेटी ट्रैवल कर रही थी उसके ऊपर गिरा और दोनों की डेथ हो गई। अब इस अलीपुर केस के अंदर बहुत सारी अरेस्ट हुई जिसके अंदर अरबिंदो घोष
और उनके ब्रदर बरिंदर घोष जो थे इनको अरेस्ट किया गया और साथ 37 रेवोल्यूशनरी भी अरेस्ट कर दिए गए। सभी का ट्रायल जो था वो यहाँ पे चलाया गया। इस समय अरबिंदु घोष को जो इनके डिफेंस लॉयर थे, ही वॉज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर, सी आर दास थे। तो सी आर दास ने इनको यहाँ पे जो था इनको यहाँ पे डिफेंड किया यहाँ पे, और एक यहाँ पे इनको अरबिंदु घोष को रिलीज इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का जो एक विटनेस था जिसका नाम था नरेन गोस्वामी जो था, जो कि एक प्राइम विटनेस था इस केस के अंदर, उसको जेल में ही उसका जो था मर्डर कर दिया गया, जिसके कारण कोई विटनेस नहीं बना। तो ये केस जो था फॉल कर गया और इस फॉल की वजह से अरबिंदु के जो घोष थे वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम, ट्रायल के टाइम के ऊपर कम से कम एक साल जो है इन्होंने जेल में लगाया था, और कहते हैं कि यही एक साल जो था इट ब्रॉट दी ट्रांसफॉर्मेशन इन अरबिंदु घोष। अरबिंदु घोष एक नेशनलिस्टिक लीडर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ पे चले जाते हैं और योगा वगैरह ये पहले भी प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन जेल के टाइम के ऊपर इन्होंने काफ़ी टाइम जो था वो अकेले स्पेंड किया, एंड ही स्पेंड हिज टाइम इन डीप मेडिटेशन या भक्ति में स्पेंड किया, एंड ही आल्सो यूज टू क्लेम के इनको जो था वहाँ पे गॉड के भी जो थे इनको एक दर्शन जो थे वहाँ पे हुए, और जिसकी वजह से ये बिल्कुल इस नेशनलिस्टिक एक्टिविटी से यहाँ पे अलग होके ये कंप्लीट अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ जो है ये इन्वॉल्वमेंट हो जाते। तो जेल का पीरियड एक इनका काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आता है। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आता है तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश जो थे वो इनको छोड़ रहे थे, तो ये ट्रायल से तो रिलीज़ हो गए यहाँ पे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कुछ मैगज़ीन यहाँ पे स्टार्ट किए, जैसे कि एक वीकली मैगज़ीन था कर्म योगनी इंग्लिश में, और एक बंगाली वीकली था धर्मा, जो इन्होंने सिस्टर निविदिता के साथ जो था इसको स्टार्ट किया। और इन आर्टिकल्स के अंदर, इन डेली जो मैगज़ीन के मीडियम से इन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे उनमें से एक प्रोमिनेंट आर्टिकल था डीपर सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और इसके साथ साथ इन्होंने साथ में एक और भी अपना एक मोटो बनाया, दैट इज़ नो कम्प्रोमाइज़। तो ये जो आर्टिकल्स लिखे गए कर्मयोगनी में और धर्मा के अंदर यहाँ पे, इसकी वजह से जो ब्रिटिशर थे वो बड़ा भयभीत हो गए, बड़ा डर उनके अंदर हो गया कि कहीं दोबारा से ये अपने आर्टिकल के मीडियम से कहीं दोबारा से कोई रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे इंडिया में खड़ा ना कर दे। और ख़ास करके जो इनका एक आर्टिकल था एन ओपन लेटर टू माय कंट्री, तो जिसको कि अरबिंदु घोष जी का लास्ट पॉलिटिकल विल और टेस्टामेंट भी माना जाता है, तो गवर्नमेंट इस आर्टिकल को लेकर बड़ा एप्रीहेंसिव होगी, इसके कारण जो सीक्रेट पुलिस थी देवर कंटिन्यूसली आफ्टर द अरबिंदु घोष और इनको अरेस्ट करना चाहती थी। बट एनी हाउ जो अरबिंदु घोष थे वो ब्रिटिश थे, बचते हुए ही लेफ्ट फॉर चंद्रनगौर जो कि एक फ्रेंच एरिया यहाँ पे आ जाता था, और उसके बाद फाइनली फ्रॉम चंद्रनगौर से ये जो थे पांडिचेरी में आ गए, पांडिचेरी में आके ये फाइनली यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। फिर यहाँ से इन्होंने अपना पूरा जो टाइम था ये अपना इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों के लगाया। पांडिचेरी के अंदर ही मेट विद पॉल रिचर्ड और इनकी जो वाइफ थी, इनको इनके साथ इन्होंने यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो था अपना जो वर्कआउट था वो यहाँ पे स्टार्ट किया। यहाँ पे इन्होंने एक मंथली एक मैगजीन स्टार्ट किया आर्या, जिसके अंदर इन्होंने अपने जो फिलोसफिकल रिव्यू या फिलोसफिकल इनके ओपिनियन थे वो यहाँ पे रखे, और आर्या के अंदर जो भी उस समय हमारे वेद उपनिषद या गीता इनकी जो कोर फिलॉसफी थी एज वेल एज इनका सिग्निफिकेंस जो आता है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर सिविलाइजेशन के अंदर, उसको काफ़ी ज़्यादा डीपली जो था इन आर्या के मीडियम से इन्होंने यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन दिया और लोगों तक इसका रेफरेंस यहाँ पे पहुँचाया यहाँ पे। और ड्यूरिंग दिस टाइम हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो थे ये अरबिंदु घोष के पास आए भी, और अरबिंदु घोष जो थे इन सभी रेवोल्यूशनरी को साधक जो थे उस समय कहा जाता था। और इसके बाद अरबिंदु घोष कभी भी एक्टिव लाइफ में या एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में नहीं आए, और ज़्यादा टाइम जो था इन्होंने अपना यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में ही यहाँ पे अपना स्पेंड किया था, और तकरीबन 40 साल तक ये अपना यहीं पर ही अपना सेटल डाउन होकर रहे, एंड ही डाइड इन द पांडिचेरी। आज भी पांडिचेरी में अरबिंदु घोष जी का एक बहुत प्रोमिनेंट जो है वो आश्रम भी बना हुआ है फॉर द स्पिरिचुअलिटी एंड मैनी अदर वर्क। अरबिंदु घोष जहाँ पे एक ग्रेट लीडर थे, एक फिलोसोफर रहे हैं, एक ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं, वहाँ पे अरबिंदु घोष जी ने बहुत सारा अपने लिटरेरी वर्क भी रखे हैं। यहाँ पे अरबिंदु घोष जो थे इनकी एक उस समय सबसे लॉन्गेस्ट
एपिक पोइम इन्होंने लिखी थी, दैट वॉज सवित्री। तो ये इनका बड़ा एक प्रोमिनेंट पोइटिक वर्क था जो अरबिंदु घोष के द्वारा जो था लिखा गया था। और अरबिंदु घोष जी 2 बार नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी हुए हैं, 1 बार ये सवित्री के लिए जो थे नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए, और 1 बार पीस के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको ये नोबल प्राइज़ मिला नहीं है। तो सवित्री के अलावा इनके जो दूसरे फिलोसफिकल वर्क हैं, दे आर बेसिकली द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योग, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड द फ्यूचर पोइट्री। तो ये 5 मेजर वर्क हैं जो इनके द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा जो इनके जो मेन जर्नल रहे हैं, जहाँ डेलीज रहे हैं, दैट इज़ वंदे मातरम, कर्म योगिनी और धर्म भी यहाँ पे लिखे गए हैं। और इंदु प्रकाश, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल एट दैट टाइम। तो इंदु प्रकाश के अंदर भी इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे थे, और जो इनके आर्टिकल लिखे गए थे, ही यूज द टाइटल द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के नीचे ये आर्टिकल इनके द्वारा लिखे गए थे। सो एवरी वन, दिस वॉज द स्मॉल बायोग्राफिकल स्केच ऑफ डॉक्टर अरबिंदु घोष का यहाँ पे आ जाता है, जिनके मीडियम से हम उनकी एक लाइफ के बारे में थोड़ा लर्न करते हैं। एंड इट इज़ आई होप के ये जो आर्टिकल्स आपके पास है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अरबिंदु घोष इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड दैट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।